जिम चलते हैं। बॉडी बिल्डिंग के दो नियम हैं, पहला पसीना बहाना छोड़ना मत कभी, और दूसरा कभी इस पहले नियम को भूलना मत, क्योंकि सिर्फ एक डिक्शनरी वो जगह है जहाँ पर बॉडी बिल्डर हार्ड वर्क से पहले आता है। सुनो, जवान होना तुम तो जवान की तरह दिखो। डेली का एक घंटा पसीना बहाना तुम्हें भीड़ से अलग बना सकता है, और एक घंटा पूरे दिन का सिर्फ 4% टाइम होता है। रिजल्ट एक रात में नहीं आता, कई वर्कआउट सेशन लगते हैं। रियल वर्कआउट तब शुरू होता है जब तुम्हें लगता है कि मैं थक गया हूँ। अगर तुम जिम करने के बाद भी सुंदर दिख रहे हो ना, इसका मतलब तुमने ईमानदारी से जिम नहीं किया। तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारा पहला घर है जिसमें तुम रहते हो, इसकी दीवारें मजबूत बनाओ। पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन बिग बाइसेप भी। कुछ लोग चाहते हैं कि बॉडी अपने आप बन जाएगी, और कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप बॉडी बनने के सपने को छोड़कर खुद अपने लिए पसीना बहाते हैं, बॉडी बनाते हैं। वो क्या है जो रियल लाइफ में एक बॉडी बिल्डर और नॉर्मल इंसान को अलग बनाता है? मैं बताता हूँ। जब उसकी बॉडी दर्द करने लगती है, उसके बाद की मेहनत ही तुम्हें बॉडी बिल्डर बनाती है। जब दुनिया सुबह 4 बजे नींद के आगोश में सो रही हो, तब शरीर में मेहनत का हार्मोन दौड़ता है। जब लोग ये कंप्लेन करते हो कि आज गर्मी है, उमस है, सर्दी है, उस वक्त तुम्हारा अपने आप को पसीने में तपाना। बॉडी बिल्डर एक चीज अच्छी तरह जानता है कि दर्द कुछ मिनट या कुछ घंटे का ही है, लेकिन उसको प्राउड हमेशा रहेगा, क्योंकि वो भीड़ से अलग दिखेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। जब तुम स्ट्रेस में रहो तब दो रिपीटेशन ज्यादा मारो, जब तुम्हारे दिमाग से सिग्नल आए कि जोर आ रहा है तब बोलना अपने आप को, अभी तो मजा आ रहा है। कभी भी अपने वर्कआउट से चीट मत करना, ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तुम खुद हो। अगर करना है तो करना है। जुनून वाले लोग अपने आप को ट्रेन करते हैं, और आलसी लोग कंप्लेंट करते हैं। जब तुम्हें दर्द हो तो सोचना कि ये तुम्हारी कमजोरी थी जो पसीने से बाहर निकल रही है। ये पसीना नहीं है, ये तुम्हारी एक्स्ट्रा चर्बी रो रही है। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना तुम अकेले में पसीना बहाओगे, उतना ही तुम किसी दुश्मन के सामने कम खून बहाओगे। कमांडो को सिखाया जाता है। एक बॉडी बिल्डर इस बात को अच्छी तरह से जानता है, पर यहाँ पर तुम्हारा दुश्मन तुम खुद हो, जिसका मन नहीं करता वर्कआउट करने का, जिसका मन नहीं करता सुबह उठने का, जिसका मन नहीं करता वेट लिफ्टिंग का। बीच में दो घूंट पी लेना, लेकिन अगर रुक गए, जिम करना छोड़ दिया, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। अपने आप से हार जाओगे तो दुनिया तो जीत ही जाएगी। फिटनेस का मतलब ये नहीं कि मुझे दूसरों से अच्छा दिखना है, फिटनेस का मतलब ये है कि मुझे अपने आप को कल से बेहतर दिखाना है। जैसा मैं कल था, जितनी पावर मेरे शरीर में कल थी, उससे ज्यादा आज होनी चाहिए। तुम्हारा हार्ड वर्क ही तुम्हें सिक्स पैक दिला सकता है। आज घर पर बता देना कि मम्मी जिम जा रहा हूँ, लेट आऊंगा। रास्ते में जाते जाते सोचना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, किसने मुझको धोखा दिया है, मेरा किसने अपमान किया है, मुझे किसने सबसे ज्यादा रुलाया है। और अपनी हर एक्सरसाइज को फिर अलग अलग नाम देना। जब भी पुशअप लगाओ तब बहुत ही याद करना जब तुम्हारे दोस्त ने तुमको मरियल कहा था। जब भी एब्स लगाओ अपने प्यार वाले धोखे को याद करना। जब भी रनिंग करो वो दिन याद रखना जब तुम्हें दवा लेने जाना था और तुम्हारी बस छूट गई थी। अपने आप का एक रूटीन बनाओ, सोना, उठना, काम करना, वर्कआउट करना, पसीना बहाना, और इन सबको फिर से कल से रिपीट करना। दर्द कुछ देर होता है, लेकिन प्राउड हमेशा रहता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं दूसरों से ज्यादा फिट हूँ। और तब तुम्हें वो सब करने का कॉन्फिडेंस मिलेगा जो तुम पहले नहीं कर पाते थे। ये कोई फर्जी चीज नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, तुम्हारी ट्रेनिंग है। एक चीता की तरह ट्रेन होना है तुम्हें। जवान होना तुम तो जवान की तरह करो। अगर 7 बार गिर गए तो 8वीं बार उठ जाओ। लाइफ में उस चीज को करने में सबसे ज्यादा मजा आता है जब लोग बोलते हैं कि तुझसे नहीं होगा, तू नहीं दौड़ पाएगा, तू बॉडी नहीं बना पाएगा। वर्कआउट शुरू करना मुश्किल है, लेकिन एक बार शुरू हो गया तो तुम्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा।